ओके okay क्लास अब ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके पास लिख रही हूँ देखो आपके पास हमें सबसे पहले बात क्लियर है कि ये हायर ऑर्डर इसमें क्या है टू सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इज इक्वल टू जीरो है तो इज इक्वल टू ज़ीरो ये शो कर रहा है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इन टू ऑपरेटर डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई माइनस ट्वेल्व वाई इक्वल टू ज़ीरो ये डी हमेशा डेरिवेटिव की जगह पे यूज़ होता है ठीक है यहाँ पे नहीं था डेरिवेटिव तो यहाँ यूज़ नहीं किया हमने वाई सब में कॉमन है कॉमन निकाला डी स्क्वायर प्लस डी माइनस ट्वेल्व इक्वल टू ज़ीरो वाई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स सो डी स्क्वायर प्लस डी माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो ये बन रही है कॉरे इक्वेशन बिकॉज क्योंकि ये डेरिवेटिव है सो वी कन्वर्ट इनटू ऑक्सिलरी इक्वेशन या एल्जैब्रिक इक्वेशन सो वी चेंज डी इनटू एम ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो नाउ इट्स टोटली कन्वर्ड इनटू एल्जैब्रिक इक्वेशन सो वी फाइंड द रूट्स ऑफ कॉरे इक्वेशन So, आप इसके रूट्स जो हैं वो फार्मूले के थ्रू भी फाइंड कर सकते हो इसको फैक्टर्स बना के सॉल्व करना चाहो तो वो भी काम कर सकते हैं हम ठीक है ओके अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊँ तो एम स्क्वायर इसके फैक्टर बन रहा है हमारे पास फ़ोर एम माइनस थ्री एम माइनस ट्वेल्व इक्वल टू ज़ीरो एम कॉमन लिया एम प्लस फोर माइनस थ्री एम प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो ये बन गया एम माइनस थ्री और एम प्लस फोर ये हमने फैक्टर के थ्रू इसकी फैक्टराइजेशन करके अब एम माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो एम प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो फ्रॉम दिस एम वन इक्वल टू थ्री एंड नाउ एम टू इक्वल टू माइनस फोर नाउ यू कैन सी द वैल्यूज ऑफ रूट्स थ्री एंड माइनस फोर इज़ रियल एंड डिस्टिंग सो वी अप्लाई केस वन इट्स रियल एंड डिस्टिंक सो वी अप्लाई केस वन ओके केस वन केस वन जो है हमारे पास केस वन हमारे पास का फार्मूला क्या था सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स ठीक है अब यहाँ पे एम वन हमारे पास है थ्री एम टू हमारे पास है माइनस फोर तो यहाँ अप्लाई कर दो सी वन ई की पावर थ्री एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस फोर एक्स नाव इट्स द सोलूशन एंड वट सोलूशन इज़ कॉम्प्लीमेंट्री सोलूशन कॉम्प्लीमेंट्री सोलूशन यहाँ पे हमारा ये आंसर सॉल्व हो गया ये हमने सॉल्व कर लिया सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होमोजीनियस को ठीक है होमोजीनियस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कौन सा सोलूशन आएगा कॉम्प्लीमेंट्री सोलूशन सोलूशन हमारा डिपेंड करता है रूट्स पे रूट्स कौन से आ रहे हैं रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है तो फर्स्ट केस अप्लाई करके हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया ठीक है यहाँ तक क्लियर है ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आगे भी हम इसी तरीके से करेंगे